सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो MIUI 12 का अपडेट है वो काफ़ी सारे डिवाइस के लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस, अगर आपके पास है पोको X2, रेडमी नोट 8 प्रो जैसे काफ़ी सारे डिवाइस में गाइस यहाँ पर MIUI 12 का जो अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो MIUI 12 का अपडेट है उसको जल्दी पा सकते हैं और आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि गाइस यहां पर जो पोको X2 रेडमी नोट 8 प्रो उस पर मैंने वीडियो बनाया था, बट काफ़ी लोगों की मुझे कमेंट आई कि भाई हमको जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिला है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सेटिंग के बारे में दिखाने वाला हूँ जिसको गाइस आप अगर अनेबल कर देते हैं तो आपको जो अपडेट है वो जल्दी देखने को मिल जाएगा, आपके यहाँ पर सिस्टम अपडेट में आ जाएगा। साथ ही साथ गाइस जो आने वाला Xiaomi का अपडेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास कोई भी Xiaomi का फोन है, पोको X2 हो गया, रेडमी नोट 6 प्रो हो गया, रेडमी नोट 7 प्रो हो गया, रेडमी नोट 8 प्रो हो गया एक्सेट्रा, गाइस जो भी Xiaomi का फोन है उसमें आप इस ऑप्शन को अनेबल करना है। जो ऑप्शन है वो आपके डिवाइस में हिडन है, आपको उसको ढूंढ कर उसको अनेबल सिंपल सा करना है। तो गाइस आप जैसे ही अनेबल कर देंगे तो आपको जो अपडेट है वो जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो कितना जल्दी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई नॉर्मल सा यूज़र है जिसने ऑप्शन अनेबल नहीं किया है तो उससे गाइस आपको 20 या 15 डे पहले जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये ऑप्शन कहाँ पर है, कैसे अनेबल करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस इसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जो ऑप्शन है वो कौन सा है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी बताया कि भाई हमारा जो अपडेट है वो अभी तक सिस्टम में क्यों देखने को नहीं मिला है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है पोको X2 जिसमें MIUI 12 का अपडेट आ चुका है, मैंने इसको अपडेट कर लिया है। तो गाइज आपको मैंने कमेंट भी बताया था कि भाई आपको सिंपल सा एक ऑप्शन अनेबल करना है जिसका नाम है अर्लियर अपडेट का। तो गाइज अब अर्लियर अपडेट क्या है और कैसे अनेबल करना है। तो गाइज अर्लियर अपडेट ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करते हैं तो जो नॉर्मल से यूजर है जिसको स्टेबल अपडेट मिलता है उससे 15 दिन पहले आपको अपडेट मिल जाता है। अगर इस अपडेट में कोई भी बग्स आती है तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे, तो 15 डे के बाद उसका चेंजेस करके न्यू Xiaomi वाले जो अपडेट है उसको रोल आउट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडमी नोट 6 प्रो यानी कि कोई भी अदर Xiaomi डिवाइस जिसमें MIUI 11 इंस्टॉलर इसमें कैसे अनेबल करना है। तो गाइज सबसे पहले आपको चले जाना है अपने सिस्टम के सेटिंग में, अबाउट फोन, सिस्टम अपडेट में। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 11 इंस्टॉलर। तो गाइज यहाँ पर आप कॉर्नर पर देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आपको सिंपल सा टैप करना है। टैप करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट सेटिंग का ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है। आपको सिंपल से अपडेट सेटिंग में चले जाना है और इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मस्त आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका गाइज यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिसीव अपडेट अर्लियर। तो गाइज यही मेन ऑप्शन है आपको अनेबल करना है। मोस्ट ऑफ के डिवाइस में गाइज ये ऑप्शन अनेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ इंस्टॉल ऑटोमेटिक पे आपको टिक कर देना है, यानी कि गाइज यहाँ पर जब भी MIUI 11 यानी कि MIUI 12 का अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। गाइज यहाँ पर आपने ऑप्शन को अनेबल कर दिया, आपकी डिवाइस के लिए जब स्टेबल अपडेट आएगा तो उसके आपको फटाफट अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको और फोन यानी कि रेडमी नोट फोन में भी करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसे करना है। गाइस सेम प्रोसेस सारे डिवाइस के लिए आपको अवेलेबल है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद गाइस आपको सिस्टम अपडेट में चले जाना है और गाइस यहाँ पर आपको चले जाना है 3 डॉट पर टिक करके अपडेट सेटिंग पर और गाइस यहाँ पर आपको अनेबल कर देना है रिसीव अपडेट अर्लियर का ऑप्शन। गाइज यहाँ पर मैंने सारे फोन में MIUI 11 हो या MIUI 12 में सभी जगह यहाँ पर अर्लियर ऑप्शन है उसको अनेबल कर दिया है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 12 में भी सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये सिंपल सा मेथड है, शायद काफ़ी लोगों ने आपको कमेंट में बताया होगा कि भाई इसको अनेबल करने से MIUI 12 का जो अपडेट है वो जल्द आ जाता है। गाइज काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके आप बताने वाले कि भाई ये फेक न्यूज़ है। जी नहीं गाइज, बिल्कुल फेक नहीं है, ये रियल है। अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल कर देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर गाइज आपको और भी कोई प्रॉब्लम है इसको रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सोल्यूशन जल्द ला दूंगा।
तो गाइस इसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस अब से हमारा जो पहला जैसा रिस्पॉन्स है अब वीडियो पर नहीं आता है। तो प्लीज गाइस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मालूम चल गया कि MIUI टेल का अपडेट है सबसे पहले किसे पा सकते हैं। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।